कल के आगे, जब हमने वर्ड लिखा था रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब गलती कहाँ पर है? जर्नल में, जर्नल में। और लेजर यानी गलती कहाँ पर है? लेजर में गलती है यानी पोस्टेड यानी वन साइडेड गलती है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ लेजर पोस्टेड डेबिटेड और क्रेडिटेड। अब एक बात बताओ, हमने याद करो सब्सिडरी बुक पढ़ी थी, हाँ या ना? हमने क्या पढ़ा था? सब्सिडरी बुक पढ़ी थी, यस या नो बोलो? यस। हमने बच्चों ध्यान से सुनना, सब्सिडरी बुक पढ़ी थी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान देना। जब हमने बच्चा सब्सिडरी बुक पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स में क्या होता था? इधर देखना बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। जब हमने सब्सिडरी बुक पढ़ी थी, सब्सिडरी बुक में सेल्स बुक होती थी। सेल्स बुक में कौन सी एंट्रियां करते थे? क्रेडिट गुड्स क्रेडिट पर ध्यान से सुनिए, सोल्ड, सॉरी, क्रेडिट गुड्स सोल्ड। परचेज बुक में कौन सी एंट्री यस, करते थे? क्रेडिट क्रेडिट गुड्स गुड और परचेज। परचेज गुड परचेज परचेज रिटर्न इनवर्ट में कौन सी एंट्री करते थे? रिटर्न इनवर्ट बुक, याद करो रिटर्न इनवर्ट पढ़ाया था। गुड रिटर्न इनवर्ट यानी परचेज गुड अंदर आना, माल परचेज अंदर आना, माल अंदर। अच्छा गुड परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट यानी माल अंदर आना। अंदर आना मतलब पहले क्या हुआ होगा? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेरी गुड। रिटर्न इनवर्ट में सेल्स रिटर्न होता है, और रिटर्न आउटवर्ड में परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड में बेटा कौन सा रिटर्न होता है? परचेज रिटर्न होता है। इतनी क्लैरिटी है बोलो, इतनी क्लैरिटी है। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये थी हमारी कहानी। ये कौन सी कहानी थी? ये हमारी कौन सी बुक थी? सब्सिडरी बुक। कौन सी बुक थी? सब्सिडरी बुक थी। अब बच्चों इधर ध्यान से सुन लो, ये हमारी बेटा, ये हमारी कौन सी बुक थी? सब्सिडरी बुक्स थी। सब्सिडरी बुक में सेल्स बुक, परचेज बुक, रिटर्न इनवर्ट बुक और रिटर्न आउटवर्ट बुक में हम लोग काम करते थे। अब ध्यान से सुनना, अगर लिखा है सेल बुक में गलती हो गई है, यहाँ लिखा है परचेज बुक में या परचेज रिटर्न बुक में या सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री गलत हो गई है, यानी अकाउंट में गलती है। अकाउंट में गलती है यानी वन साइडेड एरर है कि बोथ साइडेड एरर है? जल्दी बताओ, वन साइडेड एरर है। क्लियरिटी है? अकाउंट में गलती है यानी वन साइडेड एरर है। पहले मैं पूरा कंसेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। वन साइडेड एरर है। अब एक बात बताओ बच्चों, परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट। परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? हाँ, परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इतनी क्लैरिटी है, बोलो हाँ या ना? सुनो, परचेज का नेचर होता है डेबिट, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, सेल्स नेचर का नेचर होता है डेबिट, और परचेज रिटर्न का नेचर होता है बेटा क्या होता है? क्रेडिट। इतनी क्लैरिटी है, बढ़ू आगे? आप सुनो ध्यान से बेटा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब अगर लिखा है परचेज बुक, अब लिखा है अगर परचेज बुक अंडर कास्टेड, वर्ड क्या लिखा है? परचेज बुक। परचेज बुक क्या हो गई है? अंडर कास्टेड बुक। पहले तो बताओ बुक यानी गलती कहाँ पर है? अकाउंट में। अकाउंट में गलती है यानी कौन से? वन साइडेड एरर है। परचेज बुक अंडर कास्टेड है यानी गलती कहाँ है? वन साइडेड एरर है कि बोथ साइडेड? परचेज बुक लिखा है यानी वन साइडेड है। और वन साइडेड परचेज बुक में कौन सा नेचर आता है? परचेज अकाउंट आता है। तो गलती कहाँ पर है जल्दी बताओ? परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट 1,000 से कम दिख रहा है, अब मुझे 1,000 से ज्यादा दिखाना है। अब मुझे 1,000 कम दिख रहा है, अब मुझे दिखाना है। तो बताओ बच्चों मैं क्या करूं? परचेज अकाउंट को क्या कर दूं? डेबिट। अंडर कास्टेड यानी कम दिखा रहा है और बढ़ा दो, तो परचेज अकाउंट का नेचर डेबिट होता है, तो तू डेबिट हो जा। लेकिन टू क्या डबल साइडेड गलती है? क्या नहीं, डबल साइडेड कोई गलती नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। क्लैरिटी हुई इतनी? पक्का? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब सुनो ध्यान से, अगर लिखा है से नहीं, एक काम करते हैं परचेज की सारी एंट्रिया कर लेते हैं पहले। अगर लिखा है परचेज बुक, बच्चों क्या लिखा है? ओवर कास्टेड।
कास्ट है, क्या लिखा है बेटा, परचेज बुक क्या हो चुकी है, ओवर कास्टेड, परचेज बुक ओवर कास्टेड है, बच्चा क्या है, ओवर कास्टेड, यानी परचेज तो ज्यादा, परचेज का नेचर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट, 3000 से तू डेबिट ज्यादा दिख रहा है, 3000 से डेबिट ज्यादा दिख रहा है, अब खत्म होने के लिए तो क्या हो जा, क्रेडिट, तो टू क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, इतनी क्लैरिटी हुई, इतनी क्लैरिटी हुई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, समझ आ रहा है, परचेज बुक अंडर कास्टेड तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और परचेज बुक ओवर कास्टेड यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, बढ़े आगे बढ़े, पक्का, चलो अब सुनो ध्यान से सुनना, ये आ गया मेरा परचेज बुक और ये आ गया मेरा कौन सा बुक, ये मेरा हो गया, अब इधर देखो सेल का नेचर क्या होता है बच्चों, क्रेडिट, सेल बुक ओवर कास्टेड, सेल बुक ओवर कास्टेड रुपीज 3000, यानी सेल तेरा नीचे क्रेडिट होता है, तो 3000 से क्रेडिट कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, ओवर यानी ज्यादा, ओवर यानी ज्यादा सेल, तो 3000 से ज्यादा क्रेडिट दिख रहा है, अब खत्म होने के लिए तो क्या हो जा, डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, पक्का, ठीक, तो सेल बुक ओवर कास्टेड हो गई, आ रहा है बेटा समझ में, सेल बुक क्या हो गई, ओवर कास्टेड, अब इधर देखना बच्चों, अब इधर ध्यान से सुनो, ये हो गई मेरी सेल बुक ओवर कास्टेड, अब क्या करें, अब क्या करें, सेल बुक भैया जी ओवर कास्टेड हो गई ना, अब क्या किया जाए, जल्दी बताओ, सेल बुक अंडर कास्टेड, सेल बुक अंडर कास्टेड 1000 से, सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, 1000 से क्रेडिट कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, जल्दी बताओ, 1000 से क्रेडिट कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, 1000 से क्रेडिट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो क्या करें, बोलो क्या करें, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट, तो टू क्या कर दें, सेल अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, हाँ बेटा आपकी स्क्रीन अटक रही है, सबसे पहले क्या करोगे, जल्दी बताओ, अपन इसी का सबसे पहले क्या करोगे, राइट की रॉन्ग, राइट राइट, उसके बाद क्या करोगे, हाँ wrong. सबसे पहले करोगे राइट, फिर क्या करोगे रॉन्ग, उसके बाद क्या wrong. करोगे रेक्टिफाइड, राइट रॉन्ग और फिर क्या करोगे रेक्टिफाइड, क्लैरिटी है, सुनो इधर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं वन पे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर आते हैं वन पे, हाउ विल यू द फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड, परचेज बुक ओवर कास्टेड, परचेज तेरा नेचर क्या होता है, जल्दी बताओ, परचेज तेरा नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, परचेज आपका नेचर डेबिट होता है, और परचेज आप ओवर कास्टेड हो गए हो, तो एंट्री क्या हो, परचेज अब तुम क्या हो जाओ, परचेज अब तुम क्रेडिट हो जाओ, तो करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्लियर, कितने से 10000, अच्छा ऐसी ही कहानी है परचेज रिटर्न की, बच्चा परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, अब परचेज रिटर्न बुक ओवर कास्टेड बाय परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया 1000 से, अब तो क्या हो जाए, डेबिट हो जाए, बताओ, वेरी गुड, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लैरिटी है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, बोलो बच्चों कितने से, 1000 से, क्लियरिटी हुई, इसके बाद परचेज, बेटा इधर ध्यान से सुनना, परचेज रिटर्न बुक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, परचेज रिटर्न बुक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 100, देखो परचेज रिटर्न अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुआ 100 रुपए ज्यादा से, परचेज रिटर्न तेरा नेचर क्या होता है, जल्दी बताओ, क्रेडिट, तो 100 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हुआ है कि कम क्रेडिट हुआ है, ज्यादा क्रेडिट हुआ है, अब खत्म होने के लिए तो क्या हो जा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लैरिटी है, कितने रुपए से,
₹100 है। परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से? ₹100 से, ठीक है। परचेस बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹1000। परचेस बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹1000। परचेस बुक कैरी फॉरवर्ड 1000 से ज्यादा हो गया। परचेस तेरा नेचर क्या होता है, जल्दी बताओ? परचेस तेरा नेचर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट? परचेस, परचेस का नेचर डेबिट। ₹1000 से तू ज्यादा डेबिट हो गया तो अब तू क्या हो जा, क्रेडिट हो जा। बताओ एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियरिटी है? क्लैरिटी है। परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आया समझ? बोलो समझ आया? ठीक, आ जाओ। उसके बाद इधर देखो, How will be the following error rectified? आपको ये error rectify करने हैं। Sale book is shortcasted, sales return book balance off कर सकते हो? चलो फटाफट, दो मिनट का टाइम दे रही हूँ, करो। ये जो एंट्री की है लास्ट वाली वो गलत है। देखो भाई इधर देखो, परचेस आप क्या हो गए हो, परचेस आप ज्यादा से डेबिट हो गए हो। अब खत्म होने के लिए आप क्या हो जाओ, जल्दी बताओ, खत्म होने के लिए आप क्या हो जाओ? क्रेडिट। खत्म होने के लिए आप क्या हो जाओ, बोलो? क्रेडिट। बताओ क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियरिटी हुई? मैं टैली करवाती चलूं। सेकंड की पहली एंट्री होगी, जहां जिसको ना आए बोल देना, मैं बताती चलती हूं। सेकंड की एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सही है? सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय द, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सही है? सही है। बैलेंस ऑफ सेल्स बुक कैरी फॉर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सही है? थर्ड की एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सही है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, नहीं आ रही तो पूछ लो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हाँ बेटा, मैम ज्यादा हो गया ना सेल्स, शॉर्ट शॉर्ट है बेटा, शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट यानी कम हो गया है, और एक्सेस यानी ज्यादा हो गया है, ठीक। बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट। सेल्स रिटर्न तेरा नेचर क्या होता है, डेबिट, और तू डेबिट कम हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लैरिटी, बोलो? ठीक, क्लैरिटी है? अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। थर्ड वाला तो हो गया आपका, इधर देखो। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। आपको एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्रियां करनी है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज अ 750। बच्चों रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, गलती कहाँ पर है? जर्नल में, जर्नल में यानी बोथ साइडेड गलती है। तो देखो करने का तरीका, ध्यान से सुनना, फेयर में करने का तरीका। आप ऊपर लिखोगे रेक्टिफाइड एंट्रीज, आप ऊपर क्या लिखोगे, बोलो आप ऊपर क्या लिखोगे, रेक्टिफाइड एंट्रीज। अब ध्यान से सुनना बच्चा, आप ऊपर लिखोगे बेटा रेक्टिफाइड एंट्रीज। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ मैंने क्या किया, रेक्टिफाइड एंट्रियां की, जैसे यहाँ मैंने क्या की है, रेक्टिफाइड एंट्रीज की। अब सुनना ध्यान से, पास द जर्नल रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है हमें। अब ध्यान देना बेटा, इधर देखना, पास द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इन एररों को रेक्टिफाई करने का एक तरीका है। अब देखो, सबसे पहले आप लोग रफ में काम करोगे। रफ में क्या लिखोगे, रॉन्ग एंट्री, सॉरी रफ में पहले लिखना राइट एंट्री, पहले लिखना राइट एंट्री, फिर लिखना रॉन्ग एंट्री, और रेक्टिफाई एंट्री यहाँ करोगे फेयर में। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 570, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने से होनी चाहिए थी, सेल अकाउंट, कितने से, 570।
570। और मोहन जी आप कितने से डेबिट हो गए हो? रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड यानी गलती दोनों साइड है, मोहन के अकाउंट में भी है और सेल अकाउंट में भी है। मोहन आप कितने से डेबिट हो गए हो? 750 से। और सेल आप कितने से क्रेडिट हो गए हो? जल्दी बताओ, सेल आप कितने से क्रेडिट हो गए हो? 750 से। अब बच्चों तो आप मेरे को एक बात बताना, आप मेरे को बेटा एक बात बताना बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके। मोहन जी 570 से डेबिट हो गए हो, सेल 570 से आप क्रेडिट हो गए हो, समझ आ रही है कहानी? बोलो। मोहन 570 से डेबिट हो गए हो, सुनो, मोहन 570 से डेबिट हो गए हो, सेल 570 से आप क्या हो गए हो? सेल भाई 570 से आप क्या हो गए हो? क्रेडिट हो गए हो। मोहन जी आप नहीं, मोहन 570 से डेबिट होना था, सेल 570 से क्रेडिट होना था। मोहन तू 750 से डेबिट हो गया है, यानी मोहन तू कितने से ज्यादा डेबिट हो गया है? जल्दी बताओ, मोहन तू 180 से ज्यादा डेबिट हो गया है। क्यों ज्यादा डेबिट हो गया है? तू खत्म हो जा, खत्म होने के लिए मोहन तू 180 से क्रेडिट हो जा। सेल तुम्हें 570 से क्रेडिट होना था और तुम हो चुकी हो 750 से, यानी सेल तुम कितने से क्रेडिट ज्यादा हो चुकी हो? 180 से ज्यादा क्रेडिट हो चुकी हो, तो सेल अकाउंट डेबिट इट 180। क्या इतनी क्लैरिटी है सबको? क्या बच्चों इतनी क्लैरिटी है? ओके, अब ध्यान से सुनो, अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना। क्रेडिट सेल्स ऑफ, बेटा इधर ध्यान देना, क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल टू मोहन। ओके, क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू सोहन, ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू सोहन, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ? सोहन डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से? 850। लेकिन बच्चों एज अ रिकॉर्ड क्या कर दिया? एज अ रिकॉर्ड एज अ सेल टू मोहन, ये मान के रिकॉर्ड कर लिया कि हमने मोहन को सेल किया है, बताओ एंट्री क्या हो गई है? मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट। अब बच्चों इधर देखो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना, सोहन जी आपको डेबिट होना था, क्या आप डेबिट हुए हो? नहीं, तो आप डेबिट हो जाओ, आप डेबिट हो जाओ, सोहन जी आप डेबिट हो जाओ, ठीक है। पहले डेबिट साइड देखते हैं फिर क्रेडिट देखते हैं। मोहन जी आपको डेबिट होना ही नहीं था, आप गलती से डेबिट हो गए, तो आप मोहन जी आप क्या हो जाओ? बोलो मोहन जी आप क्या हो जाओ? क्रेडिट। मोहन जी आप क्या हो जाओ? बोलो मोहन जी आप क्या हो जाओ? क्रेडिट हो जाओ। क्लैरिटी है? मोहन जी आप क्या हो जाओ? क्रेडिट हो जाओ। अब सुनो ध्यान से सुनना, अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना, अब प्रॉब्लम क्या हो गई? अब प्रॉब्लम क्या हो गई? अब इधर देखो, सेल आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सेल आपको 850 से क्रेडिट होना था, आप 850 से क्रेडिट हो गए। जो काम सही हुआ है उसको कैंसिल करते, सोहन को डेबिट करते, मोहन तो गलती से डेबिट हो गया था, तू अब क्रेडिट हो जा। इतनी क्लैरिटी है बच्चों? Yes, और नरेशन एक ही लिखोगे, बीइंग अमाउंट रेक्टिफाइड, क्लैरिटी? ठीक, चलो बच्चों अब सुनो ध्यान से, अब इधर ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल्स ऑफ 850, बेटा इधर ध्यान देना, क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल टू मीना एज अ 580। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड यानी गलती कहाँ है? जर्नल में। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स टू मीनू, बच्चों इधर ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल्स टू मीनू, बताओ एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, मीनू डेबिट टू सेल अकाउंट, मीनू डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से? बोलो मीनू डेबिट टू 50, कितने से? 850 से। क्लियर? मीनू डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से होना चाहिए? 850 से। अब ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल टू मीना, एज अ सेल टू, बोलो एज अ सेल टू क्या? मीना, मीना के, मीना की तरह रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड यानी गलती कहाँ है? दोनों साइडेड, और रिकॉर्ड किया 580 से, बताओ एंट्री क्या की? मीनू डेबिट किया कि मीना, मीना डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से? कितने से? 580, दोनों साइड। अब बच्चों इधर देखो, रेक्टिफाई करने का तरीका, पहले डेबिट डेबिट खत्म करेंगे। आप डेबिट किसको होना था? डेबिट किसको होना था? मीनू को। वेरी गुड, डेबिट किसको होना था? मीनू को। तो भैया जी मीनू जी आप डेबिट हो जाओ, कितने से? मीनू जी आप डेबिट हो जाओ, कितने से? 850। क्लियर? मीनू जी आप क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ 850। अब इधर देखो, पहले पहले मीनू मीनू खत्म करते, मीनू डेबिट होना था, उसकी जगह मीना डेबिट हो गया। मीना तू क्यों गलत डेबिट हुआ? तो तू क्रेडिट हो जा, मीना क्या हो जाएगी? बोलो, ये मीनू है और ये मीना है, मीना क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी 580 से। डेबिट डेबिट सुधर गया,
सेल आपको क्रेडिट कितने से होना था 850 से, और सेल मात्र आप क्रेडिट कितने से हुआ 580 से। सेल ज्यादा क्रेडिट हुआ है कि कम क्रेडिट हुआ है, जल्दी बताओ। कम क्रेडिट हुआ है तो सेल तू और क्रेडिट हो जा, तो टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। आया समझ? आया बच्चों? ठीक, तो मीनू डेबिट टू मीना, और टू क्या आ जाएगा भैया? सेल अकाउंट। क्लैरिटी है? हाँ, सुनो अब बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, अब ध्यान देना। क्रेडिट सेल्स, बच्चों इधर ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू राम, क्रेडिट सेल्स ऑफ, बोलो क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू राम वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। भैया जी, 850 रुपए का हमने राम को सेल किया, रिकॉर्ड हो गया परचेज में। रिकॉर्ड यानी गलती कहाँ है? रिकॉर्ड यानी गलती कहाँ है? जर्नल में। रिकॉर्ड यानी गलती कहाँ है? जर्नल में। बताओ क्या होगी एंट्री? जल्दी बताओ क्या होगी एंट्री? क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू राम, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? बोलो 850। क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू राम, बच्चा 850 रुपए राम को, रिकॉर्डेड एज अ परचेज बुक, बताओ एंट्री क्या हो गई? राम 850। बेटा अब इधर ध्यान से सुनना, राम तेरे को डेबिट होना था, क्या तू डेबिट हुआ? नहीं, तो तू डेबिट हो जा। पहले डेबिट डेबिट सुधारते हैं। राम डेबिट, एक लाइन छोड़ देना जब, है ना। अब इधर देखना, डेबिट का एक लाइन छोड़ देना, हो सकता है कुछ हो रहा है। अब राम तेरे को डेबिट होना था, तू नहीं हुआ, गलती से क्या डेबिट हो गया? गलती से क्या परचेस अकाउंट डेबिट हो गया? गलती से क्या डेबिट हो गया है? परचेस डेबिट हो गया। तो परचेस तू फालतू में डेबिट हुआ है, तो तू परचेस क्या हो जा? क्रेडिट हो जा। क्या डेबिट डेबिट सुधर गया? अब कहानी आती है क्रेडिट की, ये सुधरा है अभी डेबिट। राम तेरे को डेबिट होना था, तू परचेस डेबिट हो गया, तो राम तू डेबिट हो जा, परचेस क्रेडिट हो जा। सेल तेरे को क्या होना था, जल्दी बताओ? सेल तेरे को क्या होना था? क्रेडिट। क्या तू क्रेडिट हुआ? क्या तू क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, तो तू सेल क्रेडिट हो जा। और क्रेडिट क्या हो गया? क्रेडिट क्या हो गया? राम। राम तो क्यों क्रेडिट हो गया है? एक तो राम तेरे को राइट डेबिट होना था, तो हुआ नहीं, तो वो हो जा राम। तो दूसरा गलती से क्रेडिट हो चुका है, उस गलती को सुधारने के लिए भी तू क्या होगा? बताओ, उस गलती को सुधारने के लिए भी तू क्या होगा? डेबिट होगा, राम डेबिट। आप चाहो तो एक एंट्री कर सकते हो, राम डेबिट 1700 टू परचेस और टू सेल अकाउंट। आप चाहो तो दो बार लिख सकते हो, राम डेबिट। एक सही डेबिट होना है और एक गलती सुधारने के लिए डेबिट होना है। इतनी क्लैरिटी हुई? बोलो इतनी क्लैरिटी हुई? कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, राइट रॉन्ग। सबसे पहले राइट का डेबिट उठा लो और रॉन्ग का डेबिट उठा लो। राइट का डेबिट होना था आप कर दो, रॉन्ग का अगर डेबिट हो गया है तो गलती सुधारने के लिए उसको क्रेडिट कर दो। राइट का क्रेडिट होना है कर दो, और रॉन्ग का अगर क्रेडिट हो गया तो गलती सुधारने के लिए उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। इतनी क्लैरिटी है? आओ अब सुनो ध्यान से बेटा। क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन टू सोहन एस 1700 वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक 7100। एंटर्ड यानी गलती कहाँ है? जर्नल में। क्रेडिट सेल्स टू ओल्ड मशीन, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट सेल्स टू ओल्ड मशीन टू सोहन, बोलो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सोहन, वेरी गुड, सोहन डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितने से? 1700 से। ठीक है, चलो भाई। और हो क्या गया? सेल्स बुक में एंट्री ले ली, बताओ एंट्री क्या कर ली? सेल्स बुक में एंट्री सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो भी कितने से? 7100 से। लो भाई, दो दो गलतियां कर बैठे। अब बेटा इधर ध्यान से सुनना, सोहन जी आपको क्या होना था, जल्दी बताओ? सोहन आपको क्या होना था? सोहन जी आपको होना था डेबिट, कितने से डेबिट होना था सोहन को? बोलो सोहन को कितने से डेबिट होना था? 1700, वेरी गुड। सोहन को बच्चों कितने से डेबिट होना था? 1700 से। सोहन आपको
ओ रुको, इधर देखना। ना सोहन 1700 से डेबिट होना था, और सोहन कितने से डेबिट हो चुके हो तुम? 7100 से। तो सोहन कितने से आप ज्यादा डेबिट हो गए हो? सोहन 5400 से आप ज्यादा डेबिट हो गए हो। क्यों ज्यादा डेबिट हो गए हो? आप खत्म होने के लिए क्या हो जाओ? क्रेडिट हो जाओ, समझ आ रहा है? सोहन 5400 से ज्यादा डेबिट हो गए, खत्म होने के लिए क्रेडिट हो जाओ। क्रेडिट किसको होना था? मशीन को। तो मशीन आप हो जाओ क्रेडिट। मशीन कितने से क्रेडिट होगा? 1700 से। ठीक है, आओ अब सुनो, सोहन का काम हो गया मशीन। सेल आप गलती से क्रेडिट हो गए हो, तो सेल अब खत्म होने के लिए क्या हो जाओ? जल्दी बताओ, सेल खत्म होने के लिए क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। क्या ये टैली हो रहा है? अगर नहीं होगा तो सस्पेंस में डालेंगे। हो रहा है वैसे, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हम लोग सस्पेंस में डालेंगे। क्लैरिटी, बोलो क्लैरिटी। ओके सुनो, BR of 5000 accepted by Mahindra, recorded as the acceptance given to Mahindra. हमारी महिंदर ने BR, याद है ना कि भूल गए? बिल ऑफ एक्सचेंज भूले तो नहीं हो ना? किसकी वॉइस इको हो रही है बच्चों? किसी की वॉइस इको हो रही है? चलो इधर आओ। BR ऑफ रुपीस, बच्चों इधर देखना, BR ऑफ रुपीस 5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर, रिकॉर्ड एज एक्सेप्टेंस टू महिंदर। हमने BR 5000 एक्सेप्टेड बाय द महिंदर, मतलब हमारे लिए BR, हमारे लिए BR है कि BP है? BR है, और उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया एज एक्सेप्टेंस टू द महिंदर। हमने महिंदर को एक्सेप्टेंस दी, यानी हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया? बीपी की तरह। क्लियर है? हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया? बीपी की तरह। क्लियर है? सुनो, हमें एंट्री क्या करनी थी? रिकॉर्डेड भी है, हमें एंट्री क्या करनी थी? जल्दी बताओ। और हमने एंट्री क्या कर दी? महिंदर डेबिट टू बीपी, महिंदर डेबिट टू बीपी। ठीक है, हमने एंट्री क्या कर दी? महिंदर BR अकाउंट डेबिट टू महिंदर, कितने से करनी थी? 5000 से। हमने एंट्री क्या कर दी? महिंदर डेबिट टू बीपी। हमने एंट्री क्या कर दी? महिंदर डेबिट टू बीपी। बच्चों अब BR हमें डेबिट करना था, हमने BR डेबिट ही नहीं किया, तो कर देते हम BR डेबिट। कितने से BR डेबिट कर देते हैं? 5000। ओके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब बच्चों महिंदर क्या होना था? BR अगर 5000 से डेबिट, अब महिंदर नहीं, पहले डेबिट डेबिट खत्म कर देना। महिंदर तू गलती से डेबिट हो गया, तो तू अब खत्म हो जा, तो तू क्या हो जाएगा? क्रेडिट। महिंदर तू 5000 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, डेबिट डेबिट का काम हो गया। अब महिंदर तेरे को क्रेडिट होना था, तो हुआ ही नहीं। ये वाला जो क्रेडिट किया है, गलती सुधारने के लिए किया है। और महिंदर तेरे को 5000 से क्रेडिट होना था, तो हुआ ही नहीं। तो टू क्या आ जाएगा? अगेन क्या आ जाएगा? महिंदर। आप चाहो तो 10000 से कर सकते हो। और बीपी तो फोकट में क्रेडिट हुआ है, तू अब खत्म हो जाता, तो क्या हो जाए? डेबिट। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगी? BR अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू महिंदर। क्लियर है? ठीक, चलो नोट डाउन कर लो अगर करना है तो। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। पोस्टेड यानी गलती कहाँ है? पोस्टेड यानी गलती कहाँ है? लेजर में। डेबिटेड या क्रेडिटेड यानी गलती कहाँ है? लेजर में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 होमवर्क है, बाकी करेंगे कल।